रोहतक जिले के गांव नांदल में सोमवार देर रात पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। झगड़े में दादी के बीच बचाव करने पर पोते ने दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पोता फरार हो गया। दरअसल नांदल गांव का रहने वाला श्रीनिवास सीआरपीएफ में नौकरी करता है। उसके पास दो लड़की और एक लड़का है। सोमवार देर रात श्रीनिवास व उसके बेटे के बीच शराब को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह से श्रीनिवास अपनी मां के पास आया। मां चांदकोर को जैसे ही वो झगड़े के बारे में बताने लगा, तभी उसका आरोपी पोता भी वहां पर आ पहुंचा। उसके हाथ में पिता की लाइसेंसी पिस्टल थी। दादी उसे समझाने का प्रयास करने लगी तो तुरंत पोते ने अपनी ही दादी पर दो फायर कर दिए। गोली चांदकोर के सिर पर लग गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजेश जी, क्या पुलिस को सूचना मिली थी? रात को समय करीब 11 बजे हमारे को सूचना मिली थी, गांव नांदल में एक लेडीज की हत्या कर दी गई गोली मार के। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, वहां पर चांदकोर पत्नी ओम प्रकाश गांव नांदल के दास घर में पड़ी हुई थी, जिसके माथे में गोली लगी हुई थी। उसके छोटे बेटे ने दरखास्त दी है अपने पोते के खिलाफ, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। भैया अमन नाम का मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का, उन्होंने गोली मारी। तो कुछ कहा सुने? कहा सुनिए तो अभी तो कोई सामने नहीं आया है खास बात। बाबू बेटी कुछ कह रहे हैं, छोटी मोटी होगी होगी। कहा सुनी, दरखास्त दे दी है, एफ आई आर दर्ज कर दी है, पोस्टमार्टम करवा के कार्रवाई बनाई जाएगी। दादी को लड़ाई झगड़े को दादी तो बस बाबू बेटा की थोड़ी बहुत कहा सुनी, उसमें कह रहे थे भाई क्यों झगड़ रहे बाबू बेटा तुम, इसी बीच वो चल गई लाइसेंस। गिरफ्तार कर लिया ना? भी कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद जैसी वो कार्रवाई होगी एफ आई आर दर्ज कर दी है। क्या किस किन धाराओं में एफ आई आर दर्ज हुई है? 302 आर्म्स एक्ट के तहत। क्या हथियार बरामद कर लिया पुलिस ने? ये जो लाइसेंस रिवॉल्वर था किसके नाम था? ये अमन है जो लड़का मारने वाला, उसके पिता के नाम था श्रीनिवास के। वो कहाँ क्या करते हैं? वो आर्मी में नौकरी करते हैं, घर पे आई हुए थे। और अमन क्या करता है? अमर पढ़ाई करता है। कितनी एज है? एज तो अभी मालूम नहीं हुआ है। नाबालिग तो नहीं? ये अभी डॉक्यूमेंट लेने के बाद पता लगेगा उसका क्या आएगा उसका। लाखन माजरा थाना के प्रभारी रणबीर सिंह, एफएसएल इंचार्ज डॉक्टर सरोज दहिया की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भिजवाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जी सर, एक हत्या का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ऐसा है जी, बीती रात को हमें 10:30 बजे करीब सूचना मिली कि नांदड़ गाँव में फायरिंग होगी और एक महिला को जो है गोली लगी है। इस सूचना पर हम जो मौके पहुँचे, वहाँ देखा तो पता चला कि जो है मौके पर पता चला कि एक बुजुर्ग महिला का शव जो उसके घर के अंदर पड़ा है। और पता इसके बाद पता चला कि इसका लड़का है श्रीनिवास, और उसके लड़के के बीच जो है शराब पीने को लेकर कहासुनी हुई थी। इस बीच जो है बीच बचाव उसकी दादी, जो नाते में उसकी दादी सगी दादी लगती थी, वो बीच बचाव करने पहुँची तो उसके लड़के ने जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जो इसकी पिता के नाम थी, वो घर से लेकर वो गोली मार दी उसको, और वो जो है मौके पर उसकी मौत होगी। मामला दर्ज कर लिया है और अभी जो शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा आज। तो सर, क्या ये शराबी किस्म का ये था जो श्रीनिवास है? नहीं, ये मिलिट्री में है, सीआरपीएफ में है, और छुट्टी आया हुआ था और कल उसने जो है वापस जाना था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं, जिसके आधार पर हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।